नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर बीजेपी को करारी हार मिली और कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और इसके साथ ही कांग्रेस में शुरू हो गई खींचतान, क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से दम भरते हुए नजर आए और 3-4 दिन तक पूरी तरीके से कांग्रेस में हलचल दिखी। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक रहा और 4 दिन से जो मंथन चला वो आखिरकार सफल हुआ और सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया और इसके साथ ही अब कांग्रेस की वापसी कर्नाटक में हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अब तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। दरअसल बीते 4 दिनों से कांग्रेस में मंथन के बाद गुरुवार को ये आधिकारिक ऐलान किया गया और कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी के प्लान का संकेत कर्नाटक में दे रहा है। दरअसल जैसे ही कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान किया उसके बाद ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चौंकाने वाला दावा किया। केशव प्रसाद मौर्य के इस दावे के बाद राजनीतिक कयासबाजियां लगातार तेज हो गई हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, आलाकमान जब कमजोर होता है तब ढया ढया होता है। गौरतलब है कि ये डिप्टी सीएम का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर काफी मंथन पिछले 3-4 दिन में हुआ और इससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में बीजेपी ने गिराई हैं, उसमें चाहे मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा राजस्थान में जिस तरीके से माहौल बना था उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी आगे कुछ बड़ा हो सकता है। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हुए इस तरीके के संकेत दे रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहा है। पिछले साल आपने देखा था कि किस तरीके से शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में थी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, उसकी सरकार गिराई गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हुए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब देखना होगा कि कर्नाटक में कब तक कांग्रेस सरकार चला पाती है और बीजेपी वहां पर कुछ अड़ंगा लगाती है, क्या कांग्रेस की सरकार गिराती है या फिर नहीं। लेकिन अभी जो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट वायरल हो रहा है उससे तमाम संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या 5 साल सत्ता बरकरार रख पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।